अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा मिशन प्रोग्राम में मैं हूं नेहा जूलियस। हमारा मिशन है आपको ऐसे लोगों से मिलवाना जो आपको इंस्पायर्ड कर सके। बिल्कुल, आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही नौजवान मौजूद हैं जो पंजाब माइनॉरिटी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कामरान विंसेंट, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। जी, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने आगाज किस तरह से किया। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने स्कूल लाइफ से पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल और कॉलेज की तरफ से खेलते हुए क्रिकेट का आगाज़ किया। वहाँ से स्कूल में खेलते हुए मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं अपनी कॉलेज की क्रिकेट टीम का हिस्सा बनूं। तो उसमें मैंने मेहनत जारी रखी और फिर 9th क्लास में मैं उस अपनी कॉलेज की क्रिकेट टीम का हिस्सा बना और फर्स्ट टूर मैंने सरगोधा में किया वहाँ पर। तो आपने क्रिकेट को ही क्यों चुना? क्रिकेट ने इसलिए कि मैं चाहता था कि जिस तरह हमारे स्पोर्ट्स में मोहम्मद यूसुफ एक क्रिकेट का एक पासवान बने जिन्होंने हमारी माइनॉरिटी का नाम रोशन किया, और मुझे जोश पैदा हुआ कि मैं भी खेलूंगा, मेहनत करूंगा और एक वक्त आएगा कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। तो क्या आपने इसमें मेडल्स भी जीते? जी, बहुत से बेशुमार मेडल्स मुझे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, एज ए ऑलराउंडर मुझे परफॉर्मेंस के अवार्ड्स मिले हैं और मेडल्स जो कि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जी, रिसेंटली हमें ये मेडल मुझे पहनाया गया अपनी माइनॉरिटी की क्रिश्चियन टीम के हवाले से कि हमें वेरी फर्स्ट टाइम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने मौका फ्राहम किया कि हमारी क्रिश्चियन टीम एक स्टेडियम में परफॉर्म कर सके। उस मैच, अहम मैच में हमने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को हरा कर हमने ये मेडल हासिल किया। इसके अलावा हमें कैश प्राइज भी दिए गए और बहुत सी शील्ड भी दी गई। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये विनिंग शील्ड जो हमारे लिए एक अहमियत की हामिल है, ये शील्ड हमें दी गई। इसके साथ हमें कैश प्राइज दिया गया 25,000। उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये मैच जो है बड़ी अहमियत का हामिल था, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने हमें मैच दिया वहाँ पे और हमने वहाँ पे फतह हासिल की है। और मेरे लिए अहम बात ये थी कि मैं अपनी माइनॉरिटी क्रिश्चियन क्रिकेट टीम का एक हिस्सा होना चाहता था, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा था, और मेरे लिए गॉड ब्लेसिंग इस तरह से हुई कि मैं उसी टीम का कप्तान मुकर्रर हुआ 2017 का, यानी इसी साल का। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैनेडियन स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक पाकिस्तान में एक फ़र्स्ट टाइम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया। उसके मैच में मैं मैन ऑफ द मैच हुआ, ये अवार्ड मुझे उस मैच में दिया गया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि वॉइस ऑफ क्रिश्चियन इंटरनेशनल टीम की तरफ से मैंने ना कि सिर्फ कप्तानी की और बहुत से अवार्ड हासिल किए, उनमें से एक अवार्ड ये मेरे लिए अहमियत का हामिल था। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि ये ओएम स्पोर्ट्स ने, जो कि ओएम स्पोर्ट्स ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया क्रिश्चियन टूर्नामेंट, उसमें मैं बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट करार पाया। और जितना मैं आपको बताता चलूं कि ये एक पेप्सी ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया नौजवान लड़कों के लिए, उसमें मैं बेस्ट बॉलर बना। इसी तरह बेशुमार मैचेस होते रहे कि लाहौर की एक यूनिवर्सिटी BNU का नाम एक नामों में से एक नाम है, उसके टूर्नामेंट में मुझे मौका फ्राहम किया गया। उसमें मैं उस टूर्नामेंट में मैं बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने दी, उसमें मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट मुझे मिला, जिसका अवार्ड ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस मेडल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से मुझे डाला गया था। ये हमारे लिए और मेरी मसीह कौम के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ पे हमने परफॉर्म किया और अपने आप को मनवाया। कामरान, आपके सब मेडल्स और ये अवार्ड्स यकीनन हमारी कौम के लिए बहुत ही प्राउड का सबब है। सो आप कोचिंग भी करते रहे हैं, सो इतनी सी मतलब अभी तो आपके करियर का आगाज़ है, तो आप अभी से कोचिंग?
इसलिए कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान नस्ल है जो कि इस टाइम स्पेशली मंशियात में गामजन है हमारी कम्युनिटी के लोग, तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नौजवान स्टूडेंट बच्चे अभी से स्पोर्ट्स की तरफ गामजन हों ताकि मैं उनको गाइड करूँ, वो भी तरह मेरी तरह मेहनत करके किसी मकाम पर खेल सकें। जी बिल्कुल, मैं आपके जज्बे के लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, आपको ज़रूर इसमें आगे कदम लेने चाहिए। सो आप लड़कों के क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, तो आपके ख्याल में क्या लड़कियों के भी क्रिकेट टीम होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। रिसेंटली मैं आपको बताता चलूँ, हाल ही में हमारी एक मसीही नौजवान अलिजबत बरकत जो कि श्रीलंका में वर्ल्ड कप मुकर्रर हुआ वहाँ पे उस हमारी एक गर्ल्स टीम का हिस्सा थी वो, तो वो हमारे लिए एक बड़ी ऑनर की बात थी कि एक इंटरनेशनल टीम में अलिजबत का होना हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। तो मैं चाहूँगा कि ना कि सिर्फ अकेली अलिजबत खेले, बहुत सी लड़कियाँ स्पोर्ट्समैन होते हुए वहाँ पे आगे को आएँ ताकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक लड़कियों की भी टीम बने। जी बिल्कुल, मैं भी इस बात के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि क्रिकेट में गर्ल्स को भी आगे आना चाहिए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि स्पोर्ट्स में वो भी हमारी कौम के लिए एक प्राउड का सबब बने। सो आपको क्या फैमिली की तरफ से भी ये स्पोर्ट रहा क्रिकेट में, क्या आपको फैमिली ने सपोर्ट किया इसके लिए? मुझे फैमिली की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, मैं छुप के क्रिकेट खेलता था। इसके अलावा मुझे डांट डबट ये सब की तरफ से, वाहिद मेरी माँ थी जिसकी दुआएं हर पल मेरे साथ होती थीं कि उनकी दुआओं का नतीजा आज आपके सामने ये सब अवार्ड्स और मेडल्स हैं कि आज मैं यहाँ तक एक लेवल पे खेल रहा हूँ। और आज जब वो मुझे देखते हैं किसी मकाम पे खेलता और वो मेरी सारी फैमिली बल्कि पूरा ख़ानदान मेरा मैचेस देखते हैं तो मुझे भी खुशी होती है। यही वो लोग थे जो कि मुझे मना करते थे खेलने में, लेकिन वो अपने लिहाज से ठीक कहते थे और मैंने अपने मुल्क के पाकिस्तान का और अपनी मसीही कौम का नाम रोशन करने के लिए मेहनत जारी रखी। बिल्कुल, जब हम एक पॉजिटिव जज्बा लेकर चलते हैं तो खुदा भी खुद रास्ते बनाता है। तो आप अपनी फैमिली से छुप के खेलते थे, तो आप आई थिंक इसकी प्रैक्टिस वगैरह में काफ़ी टाइम देना पड़ता है, तो फिर आप उसे कैसे मैनेज करते थे? वो एक टाइम उनको पता था कि इसने इवनिंग में अपनी नेट प्रैक्टिस करने जाना है इसने, क्योंकि मैंने मैचेस से पहले अपनी प्रैक्टिस करनी होती है, उसके लिए मैं रेगुलर जाता था अपने घरेलू काम को छोड़ के स्पेशली क्रिकेट की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए नेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मुझे मजबूरन जाना पड़ता था और बहुत सी बातें भी सुननी पड़ती थी घर वालों से भी और औरों से भी बहुत। जी नाज़रीन, कामरान के करियर और उसकी आगे ज़िंदगी के बारे में हम और भी जानेंगे, लेकिन अभी वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं MTV, MTV के मकसद माशरे से अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए जदोजहद करना, मसीहों के मसाइल की ना सिर्फ निशानदेही करना बल्कि उनका हल तलाश करना, पाकिस्तान के आइन और मसीही कवानीन के बारे में मसीही कौम को वाश आउट करना, पाकिस्तान के कयाम तरक्की और खुशहाली में मसीहियों के किरदार का तज़िया और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देना। डोंट मिस इट, 24 hours a day, 7 days in a week, नॉन स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग ओनली ऑन MTV। तो देखना ना भूलिए। Oh, 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 oh
ویلکم بیک ناظرین. جی کامران، آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے اس ٹائم جو ہے ہمارے جو میدان ہے اس ٹائم ویران ہے، کیونکہ ہمیں فیسیلیٹیز چاہیے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ یہاں پہ گراؤنڈس ہونے چاہیے، تاکہ نہ کہ صرف ہماری کمیونٹی، ہمارے ملک پاکستان میں تمام قومیں وہاں پہ کھیل کو جاری رکھ سکیں، تاکہ وہ اپنی اسپورٹس مین اسپرٹ کو رکھتے ہوئے وہ صحت مند نظر آئیں سب کو. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں کہ ہمارے ملک میں جو ایک قوموں کے درمیان ریلیجیس ہارمنی نہیں دیکھنے کو ملتی، تو اس بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری کنٹری میں ریلیجیس ہارمنی نہیں ہے؟ جس طرح میں کرکٹر ہوں، تقریباً تمام گیمز میں آل اوور دی ورلڈ ہمیں چاہیے کہ تمام گیموں میں تمام قومیں، یعنی ہماری کرسچن کمیونٹی کے علاوہ مسلم کمیونٹی، تقریباً زیادہ سے زیادہ جب ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو ان کے مسائل کا حل اسی طرح نکلے گا کہ ایک اسپورٹس کو زیادہ سے زیادہ کروایا جائے، تاکہ وہ میدان جو ہے اس ٹائم ویران ہیں وہ آباد ہوں گے. تو آپ کے خیال میں کیا اس سے ہم ریلیجیس ہارمنی کو لا سکتے ہیں؟ مینس مسلم اور کرسچنس قوم کو ہم ایک کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اسی طرح جب ہم اکٹھے کھیلیں گے تو پھر ہم دو نہیں کہلائیں گے، ہم ایک کہلائیں گے. جی کامران، آپ کا آپ کی یہ اسپورٹس کے علاوہ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میری ہابیز لسننگ میوزک، اسپیشلی میں لائک کرتا ہوں پوئٹری کو، اسی طرح جس طرح ہمارے شاعر ہیں زاہد انور صاحب ہیں اور جاوید صدیق بھٹی صاحب ہیں، اور ان کی شاعری مجھے بہت پسند ہے، اس لیے کہ جس طرح احمد فراز ہیں، جاوید صدیق بھٹی صاحب ہمارے خاندان کا ایک حصہ ہیں، جن کی بدولت مجھے تمام شاعروں کی بکس پڑھنے کے لیے مجھے موقع مل جاتا ہے، اور میں زیادہ سے زیادہ شاعری جس طرح میں لگاؤ رکھتا ہوں، اور مجھے گھر پہ ہی میری یہ بکس جو ہے نا پرووائڈ ہو جاتی ہیں. تو کیا صرف آپ کی شاعری میں دلچسپی ہے یا آپ خود بھی شاعری کرتے ہیں؟ نہیں، جس دلچسپی ہے، میں صرف لائک کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ شاعر ایک بہت بڑی ایک کہانی کو دو لائنوں میں کمپلیٹ کر دیتے ہیں، یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو کیا کبھی آپ نے کوشش کیا خود سے کچھ لکھنے کے بارے میں؟ نہیں کبھی میں نے کوشش، آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا اس چیز کو؟ تو آپ کو میوزک میں کس ٹائپ کے گانے پسند ہیں؟ مختلف، جس طرح میں خود ینگ ہوں تو جس طرح فاسٹ سانگز، یا جس طرح اس کے علاوہ جو غزلیں مجھے پسند ہیں غلام علی خان صاحب کی اور جگجیت سنگھ کی، اس کے علاوہ بہت سے اور بھی ہیں موسیقار جن کی میں، راحت فتح علی خان صاحب، ان کو میں لائک کرتا ہوں، ان کو فارغ وقت میں سنتا ہوں. تو آپ کوئی اپنا ایک پسندیدہ سانگ سنائیے، ہم آپ کو سنواتے ہیں. شعر سنا دوں سب سے پہلے میں؟ چلیں بالکل، آپ سنائیے. کسی کی آنکھ میں خاک بن کر زندہ رہنے سے اچھا ہے کہ تو مر جاتا. کسی کی آنکھ میں خاک بن کر زندہ رہنے سے اچھا ہے کہ تو مر جاتا، تاکہ کوئی آنکھ تیرے پیار میں اشک بار نہ ہوتی. واہ کیا بات ہے. تو اب آپ اپنا سانگ بتا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. اسی طرح تو میری زندگی ہے، فلم عاشقی انڈین، وہ میرا مجھے فیوریٹ سانگ ہے. جی ناظرین، کامران کی باتوں سے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملی کہ جس ملک میں کھیلوں کے میدان آباد ہیں اس ملک کے ہاسپٹلز ویران ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا، کامران کی پسند کا گانا سنتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ. میری زندگی ہے تو، میری ہر خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری ہر خوشی ہے تو، ہی پیار تو ہی چاہت تو ہی عاشقی ہے ہے.
आस है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियां तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। MTV के मकसद معاشرے سے عدم برداشت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنا، مسیحیوں کے مسائل کی نہ صرف نشاندہی کرنا بلکہ ان کا حل تلاش کرنا، پاکستان کے آئین اور مسیحی قوانین کے بارے میں مسیحی قوم کو واش آؤٹ کرنا، پاکستان کے قیام، ترقی اور خوشحالی میں مسیحیوں کے کردار کا تجزیہ، اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا۔ ڈونٹ مس اٹ 24 آورز ا ڈے 7 ڈیز ان ا ویک, non-stop broadcasting, only on MTV. To dekhna na bhuliye.